पापा वो इतना कराची गया हुआ तो उसके बगैर मजा नहीं आता, और वैसे भी अकेले भागते हुए बंदा पागल सही लगता है। सो ही विल बी बैक टुमारो मॉर्निंग, तो इंशाल्लाह फिर कल शाम से वही पुरानी रूटीन। मुझ में नहीं है, नहीं है मुझ में ये हौसला। सुनो, देर तक और दूर तक सोचता जरूर हूँ लेकिन बुजदिल नहीं हूँ, साबित कर दूंगा तुम्हें मैं एक दिन। मत यार, तुम अकेले ही बहुत हो और मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक फाइनेंसर हूँ। अब ये सोच कर तो मुझे कई दफा हैरत होती है कि मैंने आर्किटेक्ट की डिग्री ली कैसे। ऐसी किसी सूरत में सबसे पहले निकाह पढ़वाने का मशवरा भी उन्हीं का था, जिसके बाद हम कानून की निगाहों में मफरू नहीं रहे, मियां बीवी बन गए। नहीं बाबा जान, नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा था बाबा जान कि एक सरदार बनकर नहीं पाप बनकर सोचें। आज के बाद तू स्कूल से भागा या मेरे साथ तूने झूठ बोला तो रस्सी के साथ बांध के मैं तेरी खाल खींच लूंगा। सिर्फ मेरे पास मुखालिफ रास्ते पे इतना आगे मत निकल जाना कि वापस लौटते लौटते तुम्हारे पैरों में छाले पड़ जाएं। जो रिसाला आप पढ़ रहे हैं ना, ये किसी लाइब्रेरी से नहीं मंगवाया हमने, ये हमारा अपना है जाती। तो आप चाहें तो ये रिसाला थोड़ी देर के लिए रख के मेरे सलाम का जवाब दे सकती हैं। वैसे अस्सलाम वालेकुम। तारीफें सुन सुन के बोर नहीं होते? वो कॉलेज के जमाने में हर कोई एक कसीदे पढ़ा होता था, और वो क्या नाम है उसका, स्टूपिड बरकत अली, उसने तुम्हारी तारीफ में एक नज़म तक लिख दी थी। कितना फारिग वक्त था भाई उसके पास। सॉरी टू से, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत का मतलब तुम जानती हो या नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ। चीख कर बोलने से ना तो मैं डरूंगा और ना ही तुम्हारा कद पड़ेगा। इस घर के दरो दीवार में कान मेरे हैं, दिल मेरा है, इख्तियार मेरा है। ये आग तो पहले रोज ही सुलग उठी थी, अब तहक रही है अंगारों की तरह। सदफ मेरी मोहब्बत थी और अब गैरत बनने जा रही है। दलालों के जरिए काम करवाया उन्होंने, पैसा बर्बाद किया है। बताइए, मैंने कोई कत्ल किया था और उस बदमाश टाउन को मैंने छुआ तक नहीं, लेकिन उनकी नजर में मैं भी मुजरिम हूँ। मैं नहीं जाऊंगा उनके घर पे। अरे भी साहब, एक वही लड़की तो नहीं रहेगी ना जमाने में। और प्लीज आप उन लोगों को ज्यादा इसरार मत करें, वो समझेंगे कि शायद इनको कोई और लड़की नहीं मिल रही, और वैसे भी मुझे लड़कियों की कोई कमी। देख लें कहीं ऐसा ना हो जैसे बाप अपनी मोहब्बत से हारा था, ऐसे ही बेटे को भी उसी खानदान के हाथों मारना खानी पड़ जाए। देखिए, अदालत के भी कोई कायदे कानून होते हैं, अदालत भी अपनी मर्जी के मुताबिक काम करती है। जब अदालत लगेगी तो डेफिनेटली गवाही के लिए बुलाऊंगा। दरख्त एक और तरह की मखलूक है और इंसान एक दूसरी तरह की मखलूक है, जो जिंदगी में कभी भी उसको सीधा किया जा सकता है। इंसान अगर तौबा कर लेना तो सारे का सारा धुल जाता है। आप ये कहना चाहती है कि हक की मौजूदगी का खतरा जहां कहीं भी हो मुझे नॉक करके आना चाहिए, आवाज देकर आना चाहिए। लेकिन खातून, इस मरतबा आप आई और वो भी बगैर आवाज दिए, और गालिबन आपको इस वक्त शर्म ही नहीं आ रही होगी। कब कहा है मैंने ऐसा? मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि मैं ऊपर वाली मंजिल को ठीक करवा लूं, 8 साल के बाद घर वापस लौटा हूं। कम से कम कुछ दिन तो सुकून से रहने दीजिए प्लीज। ये जो तू फिल्में और ड्रामे देखती रहती है ना, इससे दिमाग खराब कर दिया तेरा। 1700 और चीजें हैं सोचने को, कभी मेरी तरफ भी देख लिया कर। क्या देख?